मेरा नाम शिवाय सैनी है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है माँ की ममता का मोह। आओ सुनाओ एक कहानी जो तुमने सुनी होगी अपनी दादी नानी की जुबानी है। एक बार एक सफल व्यक्ति अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ अब मैं जो भी हूँ आपकी ममता की देन है, मैं इसको चुकाना चाहता हूँ, आपकी ममता का कर चुकाना चाहता हूँ। फिर माँ बोली, ये तो मेरा फर्ज था। आदमी जिद करने लगा। आदमी की जिद देखा माँ ने तुरंत हाँ कर दी। फिर माँ बोली, आज रात बचपन की तरह मेरे साथ सो जाना। फिर आदमी ने ये सब सुनकर तुरंत हाँ कर दी। जब आदमी अपनी माँ के साथ गहरी नींद में सो रहा था, तब माँ ने पानी का जग लिया और थोड़ा पानी बिस्तर पे गिरा दिया। फिर आदमी को गहरा महसूस करके वो तुरंत उठ गया और माँ के हाथ में पानी का जग देके गुस्से से बोला, माँ आप ये क्या कर रही हो, सोने क्यों नहीं देती। फिर माँ प्यार से बोली, बेटा बचपन में तू हर रोज बिस्तर गीले कर देता और मैं गीले बिस्तर पर सो जाती थी। तू एक रात ऐसा कर देता तो मेरी ममता का घर चुका देता। यह सब सुनकर आदमी को बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दुनिया के हर मोह चुकाए जा सकते पर माँ की ममता का मोल नहीं चुकाया जा सकता, क्यों वो अनमोल है। माँ कहने को इंसान है पर कर्मों से भगवान है। 9 महीने गर्भ में रखती अपने खून से सींचती, माँ के चरणों में खुशी हो पूरा संसार।